हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और हमें फिलहाल वाराणसी में, यानी आपके खूबसूरत से शहर काशी में, और आज यात्रा करने वाले हैं विभूति एक्सप्रेस में, जो कि प्रयागराज रामबाग से चल करके हावड़ा के लिए जाती है। आज इसमें हम लोग वाराणसी से बोर्ड कर रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही रांची राजधानी की हमारी जर्नी में कि कैसे हम लोग को दीनदयाल उपाध्याय उतरना पड़ा था। संदीप भाई की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए यहाँ पे उतरे थे। और बात यह कि आज वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तबीयत खराब होने के कारण, और हमें निकलना ही था नई जर्नी पे, तो हम लोग चलते हैं। ऑलरेडी 5:45 हो रहा है और 6 बजे का टाइम है विभूति एक्सप्रेस का। जल्दी चलते हैं, देखते हैं ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आ रही है। यह है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली अपनी विभूति एक्सप्रेस। तो ज़्यादा कहीं दूर हमें जाना नहीं पड़ेगा, और काफ़ी बढ़िया बनाया गया इस प्लेटफॉर्म को। यहीं पर आती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस भी। स्टेशन 1 प्रोडक्ट की जो शॉप है वाराणसी में, वो देख लो कुछ ऐसी बनी है। बहुत ही खूबसूरत से खिलौने यहाँ पे हैं, हनुमान जी की मूर्ति देखो, और सभी धार्मिक चीज़ें मिलेंगी। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है भगवान जी का, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बस लेकिन एक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ हमें हमारी जर्नी के दौरान वो लेनी चाहिए, वो है पानी। यहाँ पे पानी पहले ले लिया जाए। काफ़ी पैक ट्रेन है यार ये तो, और काफ़ी बुरे हाल में भी है। आई और पूरी की पूरी भीड़ देखो, वहाँ पे उमड़ पड़ी। और यहाँ पे हम लोग इसमें चलते हैं, ये रहा अपना कोच, यही सीट भी अपनी। चलिए यहाँ से एंट्री ली जाए। तो अपनी सीट है 23-24 इसके पीछे वाला। मौसम बहुत ही कमाल का हो गया यहाँ पे सनसेट के टाइम पे। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पे आज की है, और 6:05 के आसपास यहाँ से निकलेगी। हम लोग भी सेटल हो गए थे ट्रेन के अंदर, पब्लिक भी यहाँ पे जनरल में भी सेटल हो गई है। ट्रेन अपनी निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और शाम बहुत ही खूबसूरत ढल रही है। बनारस की शाम के बारे में बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मेरे साथ इसे एक्सपीरियंस भी कर लीजिए। वैसे वाकई मैं इस जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था विभूति में ट्रैवल करूँ, और आज ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। ट्रेन का जो रूट है वो पटना जसीदीह वगैरह होते हुए जाती है, वही दुरंतो वाला रूट जो दीदी से हम लोगों ने अब से कुछ दिन पहले ही फॉलो किया था। मधुपुर के रास्ते जाएंगे हम लोग, लेकिन वो चीज़ें तो रात में गुजरेंगी। लेकिन हाँ, पटना तक का जो रूट है वो तो आपको दिन में देखने को मिलेगा। जो लोग बनारस से हैं, आप लोग भाई अपना खाना पीना घर से लेकर के चलना, बाकी हम लोग जानबूझ के लेकर के नहीं चले, क्योंकि हमें रिव्यू करना था जर्नी का। फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से, गंगा माता के दर्शन आपको करवाता हूँ कुछ। रेलो 5 बॉट से, जहाँ पे सिंपली मैंने इनके व्हाट्सएप पे अपना PNR डाला, उसके बाद ट्रेन की डिटेल आ गई, उसे मैंने कंफर्म किया। फिर देखो यहाँ पे डिटेल्स का कंफर्मेशन आया, DDU पे खाना अवेलेबल था, तो मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही खाना अपने लिए मंगा लिया है। और उसके बाद कार्ट में मैंने जो आइटम ऐड किए थे उसकी कॉस्ट आप देख लो, और मैंने इसे COD कर दिया, यानी कैश ऑन डिलीवरी। तो मुझे केवल जो पैसे हैं ऑनलाइन नहीं, कैश में पे करने पड़ेंगे। और जब सारी कंफर्मेशन हो गई, तो मेरे पास एक कॉल भी आया था इनकी तरफ। फूड ऑर्डर का जो ऑप्शन है ना, दिन पर दिन स्मूथ होता चला जा रहा है। मैंने शुरू से ही रेलो 5 से खाना पीना ऑर्डर करना शुरू किया था। खाने पीने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आज का भी रिव्यू करेंगे। एक वेज थाली और बिरयानी ऑर्डर की है, साथ में व्हाट्सएप के इस फीचर ने चीज़ों को बहुत ही सिंपल बना दिया। देखते हैं खाना कैसा आएगा इनका, DDU में दिखाते हैं। बनारस की वरुणा नदी, अब मैं नदी कहने में थोड़ा सा शर्म आ रही मुझे इसे, इतना गंदा कर दिया गया इसको। अभी मानसून है तब जाके थोड़ी साफ है, तब इसका ये हाल है, और जब मानसून नहीं होता है तो एकदम नाले वाला रूप ही हो जाता है नदी का। इस चीज़ पे सरकार को थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। बनारस कैंट से सिटी होते हुए गोरखपुर और बाकी रूट्स में जाने वाली लाइन, और हरिहर वगैरह, ये है वो लाइन जो कि आगे सारनाथ की ओर निकलती है। आप काशी रेलवे स्टेशन का पुराना प्लेटफॉर्म देख लो, ये वाला काफ़ी पुराना है। दूसरी तरफ से एक प्लेटफॉर्म आएगा जहां हमारी ट्रेन रुकती भी है यहां पे, ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसे मैंने सोचा ये साइड आपको दिखा दूं। जो नया प्लेटफॉर्म वो कुछ ऐसा बना हुआ है काशी का। बाकी एक स्टॉल आगे देखने को मिल रहा है जहाँ से आप चीज़ सामान खरीद सकते हो कुछ अगर ज़रूरत है तो। कृष्ण जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में देखो कैसे
थाने को बढ़िया सजाया गया है और ऊपर से स्टेशन भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है नया वाला रेलवे स्टेशन काशी का जो बना हुआ है। साथ साथ यहाँ एक स्टॉल देखो आगे भी दिख रहा है खाने पीने के लिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको यहाँ पर। ट्रेन यहाँ पर हमारी देखो 6:30 बजे बिल्कुल आ चुकी है। देख लो आप लोग खूबसूरत सा काशी रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहाँ पर काफ़ी देर रुकी रही और अब जाके निकल गई। यहाँ पे है रेल कम रोड ब्रिज, मतलब ऊपर तरफ है सड़क के साधन और नीचे हमारी रेलवे, एक ही ब्रिज में दोनों चीजें। तो ये है नमो घाट का नया हिस्सा और सामने होती है गंगा आरती और सारी की सारी घाटें यानी 80 घाटें यहीं पर हैं। यहाँ से रोड हमसे देखो वापस से अलग हो गई और बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई अभी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हम लोग 6:50 पे पहुंच चुके हैं। और कभी भी ऐसे हॉकर से आपको खाना लेने की ज़रूरत नहीं भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में खाने का बहुत स्कैम होता है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का खाना आपको सर्व हो जाएगा अगर आप इनसे लेंगे तो। मेन चीज़ ये कि दीनदयाल उपाध्याय में आपको फल हमेशा ही हर सीज़न में मिल जाएंगे, आपको बहुत वीडियोज में मैंने दिखाया है। तो आप सबसे सही रहेगा कि फल के ऑप्शन को लें, वरना चने और मूँगफली की जो भुगनी होती है उसका आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। देखो जैसे कि यहाँ पे भी मिल रही है, चने की भी है मूँगफली की भी है उगनी, और साथ साथ फल देख लो, फलों के स्टॉल्स आपको पूरे स्टेशन में मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। स्टॉल है ना यहाँ पे हमेशा ही देखो सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको, प्लेटफॉर्म एक दो के बीच में है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। बाकी मौसम बहुत बढ़िया है आज, एकदम बारिश हुई है यहाँ पे। हमारा आया नहीं है ट्रेन, तो हमारे यहाँ पहुँच गई है। यहाँ से आप दो रूट्स में बढ़ सकते हो जो मेजर है, एक हावड़ा लाइन वाया गया होकर के और हम लोग जा रहे हैं वाया पटना होकर के। तो ये जो दो रूट हैं बहुत ही मेजर रूट्स हैं। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल तो मैं हर बार बताता हूँ, हर जर्नी में बताता हूँ, आज फूड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, देखते अपना खाना कब आता है। मेन चीज़ तो आज का मुद्दा वही है, ऑप्शन था तो भाई सबसे पहले अमरूद कटवा लिए, ये सबसे बढ़िया रहने वाला है। अगर खाना ना भी आए तो बैकअप ऑप्शन में ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे दे दो फाइनली फूड हमारा आज डिलीवर हो गया ऑन टाइम कम से कम। इसके अंदर है भैया 510 है, ठीक है, चलिए थैंक यू भैया। प्रयागराज रामबाग से दिलदार नगर बक्सर आरा होते हुए पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली अपनी विभूति एक्सप्रेस देखो निकल चुकी है यहाँ प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 अनाउंस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। प्रयागराज रामबाग से दिलदार नगर बक्सर आरा होते हुए पटना के रास्ते हावड़ा को जाने वाली अपनी विभूति एक्सप्रेस देखो निकल चुकी है यहाँ प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 अनाउंस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका गया है, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 7:00 हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मतलब मैंने इतनी अच्छी प्रायोरिटी इसकी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस रूट पे,
वो ज़्यादा ही अच्छी प्रायोरिटी से दी जा रही है। भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया सेक्शन जो है इंडिया का बिजिएस्ट सेक्शन भी है और साथ साथ यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी है, इसलिए आपको गुड्स ट्रेन तो बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और साथ साथ मौसम आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत सा हो रखा है, देखो तो लाइन से सामने एक गुड्स ट्रेन, उसके बगल में एक गुड्स ट्रेन और आगे तो पूरा पूरा मार्शलिंग यार्ड ही है। निकल चुके हम लोग यहाँ से, पैकिंग भी ठीक लग रही है, कुछ बहुत निकालो ले लो भाई, मोस्टली अपनी पैकिंग के लिए फेमस है, बहुत बढ़िया पैकिंग दिखता है। अच्छा कटलरी भी दी गई है, ये देखो कोई स्पिलेज नहीं है ना, मतलब चीज़ें मिक्स नहीं होना आपस में, मेरा फेवरेट बूंदी रहता है वो बात ठीक है। और बनारसी आलू भी यहाँ पे साथ में, बिरयानी का भी लुक आप यहाँ पे देख लो, देखते हैं टेस्ट कैसा है इस चीज़ें की। देखो कोई स्पिलेज नहीं है ना, मतलब चीज़ें मिक्स नहीं होना आपस में, मेरा फेवरेट बूंदी रहता है वो बात ठीक है। और बनारसी आलू भी यहाँ पे साथ में, बिरयानी का भी लुक आप यहाँ पे देख लो, देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। घी लगा है क्या? हाँ देखो घी तो लगा है, सही है। देखते हैं ये दाल है, पनीर, पनीर टेस्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत है इसी में। खाना पीना तो हो गया, खाना काफ़ी ठीक ठाक सा है। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ है कि ये चीज़ें आ जाती सभी आपके लिए, राजमा मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, बाकी जो चीज़ें वो तो ठीक लग रही हैं। वो गुलाब जामुन एक मिल जाता है, साथ में बिरयानी भी टेस्ट कर लेते हैं जब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं टेस्ट। सबसे ज़ोरदार तो बिरयानी है, ये वर्थ है, इसे आप ज़रूर ऑर्डर करना अपनी जर्नी के दौरान, ये रिकमेंडेड आइटम है। थाली में उतना मज़ा नहीं आया मेरे को सीरियसली, क्योंकि एक वैसे भी ओवरनाइट टाइप की जर्नी है, हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको दाल चावल ऐसा शौक है तब आप थाली मंगा सकते हो, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, काम चल जाएगा आपकी जर्नी के दौरान। लेकिन एक चीज़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जो हॉकर से खाना मिलता है लोकल वेंडर से, उससे लाख गुना अच्छा है, फिर भी ये चीज़ कहूँगा मैं। चलिए इसे फिनिश करते हैं, आपसे आने वाले स्टेशन में मिलते हैं। बिहार एंटर कर चुके हैं लोग और आज के अपने बिहार के पहले हॉल्ट बक्सर। चलने के बाद ट्रेन जमानिया रुकी, दिलदार नगर रुकी और उसके बाद गहमा रुकी, उसके बाद जाके बक्सर आई है, समझ लो इसके बहुत हॉल्ट हैं। और लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन को 14 घंटे से भी ज़्यादा का समय दिया रहता है, जिसमें से 30 हॉल्ट से ज़्यादा इसके हॉल्ट रहते हैं, इसलिए ट्रेन धीरे धीरे करके पहुँचाती है। सुपरफास्ट तो है विभूति एक्सप्रेस, साफ़ सफाई की तो मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन मेरे लिए इसकी टाइमिंग बहुत सही है। मुझे 6 बजे पहुंचने वाली है, 6 बजे खुलने वाली ट्रेन नहीं पसंद है, 8 बजे आराम से पहुंचेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो लोग बक्सर से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ज़रूर। डेली ट्रेन है इसलिए बक्सर में बहुत सारे लोग इस ट्रेन से उतरे हैं और बहुत सारे लोग चढ़े भी हैं। स्टॉल्स वगैरह खाने पीने के आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत खाने पीने की आपको होगी नहीं। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला है, 8:25 से 8:27 के लिए वैसे इसका हॉल्ट होता है, पर यहाँ पर आज 8:30 पहुँची है।
दो ही मिनट के हॉल के बाद निकल भी गए यहाँ से। सबसे पहली चीज़ तो जो लोग आरा से हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, और आरा में क्या चीज़ खास है, क्या चीज़ स्पेशल मिलती है वो ज़रूर बताना। आरा जंक्शन देख लो आप लोग, यहाँ पे ट्रेन अपनी यहाँ पे पहुँच गई, दो ही मिनट रुकेगी यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले तो स्टेशन आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छी बात यह कि एंट्री और एग्जिट गेट के पास ही अपना कोच है, तो दुकान वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएंगी। वैसे आरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई हुई है सासाराम भगुआ के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं पटना वाली लाइन पे, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है, बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हम लोग सोन नदी को पार करेंगे और सीधा पटना जंक्शन पहुँचेंगे। बीच में भी स्टॉप्स हैं ट्रेन के, बेटा भी रुकती है, दानापुर भी रुकेगी, उसमें से जो मन हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। आरा जंक्शन देख लो आप लोग, यहाँ पे ट्रेन अपनी यहाँ पे पहुँच गई, दो ही मिनट रुकेगी यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले तो स्टेशन आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छी बात यह कि एंट्री और एग्जिट गेट के पास ही अपना कोच है, तो दुकान वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएंगी। वैसे आरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई हुई है सासाराम भगुआ के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं पटना वाली लाइन पे, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है, बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद हम लोग सोन नदी को पार करेंगे और सीधा पटना जंक्शन पहुँचेंगे। बीच में भी स्टॉप्स हैं ट्रेन के, बेटा भी रुकती है, दानापुर भी रुकेगी, उसमें से जो मन हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। दो ही मिनट के हॉल के बाद हम लोग आरा से भी निकल चुके हैं, और जिस तरफ किसी गाड़ी की तो अनाउंसमेंट चल रही है, यहाँ पर देखते हैं कौन सी आ रही है। दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है, जो कि आरा जंक्शन पे पहुंचने वाली है। जो लोग आरा से हो ज़रूर बताना, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ से गुजरता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि स्टेशन से आपको दिखा पाऊँ।
बिहटा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई थी काफी देर से। मैं सोच ही रहा था कि क्यों रुकी है। उधर डिब्रूगढ़ राजधानी क्रॉस हो रही है, उधर कोई राजधानी या कोई नॉर्मल ट्रेन हमें ओवरटेक करे, राजधानी तो कोई होगी नहीं अभी शेड्यूल में। यहाँ तक ये नॉर्थ ईस्ट का हो बस। जम्मू तवी पटना अर्चना एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए बिहटा रेलवे स्टेशन। श्यांश भाई वहाँ पे डिब्रूगढ़ राजधानी ले रहे थे, हमने डिवाइड कर लिया वर्क को ताकि दोनों गाड़ियाँ मिस ना हो। पटना जम्मू तवी बहुत बढ़िया गाड़ी है, कभी इसमें ट्रैवल करने का मन तो है। अभी ये वैसे जम्मू तवी से आ रही है, एंट्री वेंट्री सब कुछ है इसमें। अभी एंड टू एंड जर्नी की जाएगी अर्चना एक्सप्रेस में। भाई यही सब होता है प्रायोरिटी का खेल, देख लो। वो सुपरफास्ट गाड़ी है, अपनी भी सुपरफास्ट गाड़ी है, लेकिन प्रायोरिटी उसको दी गई है। बाकी श्रांश भाई एक चीज़ बताओ, ट्रेन में साइड पेंट्री से क्या क्या सर्विस देखी अभी तक? पानी वगैरह बिकने के लिए आया था और खाने का ऑर्डर लेने आया था, है ना? बस तो ये चीज़ें चल रही थी, तो ये चीज़ें तो आपको सुविधा मिल जाएगी। साथ में लोकल वेंडर्स में भेलपुरी बेच रहे थे यानी झालमुड़ी, और यहाँ पे चाय लोकल वेंडर से बिक रही थी, और पॉपकॉर्न वगैरह, तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगे। बाकी आप डिनर के लास्ट हॉल्ट मेरे हिसाब से पटना को रख सकते हो, इससे आगे मत खींचना क्योंकि ऑलरेडी कितना हो रहा है, 10-10 हो रहा है। हाँ। इससे आगे फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। चलिए पटना जंक्शन में अब सीधा आपसे मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे घिसते हुए हमारी विभूति एक्सप्रेस निकल रही है अपने सफ़र में। समस्तीपुर का लोकोमोटिव आप यहाँ पर देख लो, ऑन हालत में खड़ा हुआ है। बिहटा रेलवे स्टेशन है, बार बार मैं इसके नाम में बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था। अंधेरे में गर्मी में हमारे लोको पायलट साहब लोग बैठे हुए हैं लोकोमोटिव में, दो दो गाड़ियां निकल गई, वो अकेले खड़े हैं इंतज़ार में कि कब गाड़ी को सिग्नल मिले। अब रात रात की जर्नी है, कुछ लोगों को बोरिंग लग रही हो रही रात रात की जर्नी है कुछ लोगों को बोरिंग लग रही होगी, लेकिन क्या करें भाई, रात का रिव्यू भी करना पड़ता है क्योंकि कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ ज़रूरतें हैं वो यात्रा के दौरान पूरी हो पाएंगी कि नहीं, सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और दिखानी भी पड़ती हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको यहीं मिलेगा। सामने आप जो रूट देख रहे हो वो गया लाइन है, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। देखो भीड़ है काफ़ी अच्छी खासी है, गया वाली लाइन आप एक बार देख लो वहाँ पे। बाकी पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ट्रेन से अच्छे खासे यात्री उतरे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चढ़ने वाले भी हैं। 10:45 का अराइवल टाइम था, 11:00 पहुँचे हैं, 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट टाइम रहने वाला है पटना पे। जंक्शन कहते हैं, गया वाला लाइन तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन दानापुर में भी हमारी ट्रेन रुकी थी, वहाँ से आप पाटलिपुत्र होते हुए जा सकते हो हाजीपुर वाली लाइन की ओर जो कि गंगा के उस पार है। बरौनी वो जो रूट है ना, वो मैंने आपको तो बहुत बार दिखाया है, बहुत बार हम लोगों ने शूट में ट्रैवल किया तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे मोकामा होते हुए, क्यूल जंक्शन होते हुए अपने दूसरे रूट पे पटना वाली लाइन की ओर आसनसोल होते हुए, और क्यूल जंक्शन से एक लाइन निकल जाती है भागलपुर के लिए भी जमालपुर होते हुए। वो तो यार काफ़ी लंबी कहानी है, सब आप लोग मेरे साथ शुरू से देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो गई। खाने पीने की चीज़ें, बिरयानी वगैरह सभी चीज़ें पटना जंक्शन में अवेलेबल है, स्नैक्स आइटम भी पूरा अवेलेबल है, और अच्छी खासी भीड़ भी अवेलेबल है यहाँ पर। देख लो जनरल कोच जो है वो यहाँ से काफ़ी पैक सा हो गया था हमारी ट्रेन को, स्नैक्स खाने का मन था तो ये कोक ज़ीरो ले लिया है भाई, ज़ीरो कैलरी वाला, और साथ में फ्रूट एंड नट। कोक का मन था तो ये ज़ीरो शुगर वाला ले लिया, और साथ में नट क्रैकर ले लिया है। ये काफ़ी अच्छा लगता है रात में टाइम पास के लिए। बाकी अनाउंसमेंट हो रही है, थोड़ा दूर चला जाए बस, ट्रेन अपनी यहाँ से निकलने वाली, विभूति की अनाउंसमेंट हो ही रही है। 2 नंबर पर खड़े हैं, निकलने को तैयार है। पटना से एक जर्नी करने का मन कर रहा है तेजस राजधानी में, अगर मन हुआ तो हो सकता है हावड़ा से वापस यहाँ पे आऊँ और तेजस राजधानी लूँ। मन तो बहुत कर रहा है, बहुत दिन से उसे ट्राई नहीं किया, करेंगे अगर मन हुआ तो। बाकी पटना से भी बिल्कुल राइट टाइम गाड़ी यहाँ पे अपनी निकल चुकी है, क्या ही बात करें। मौसम बहुत बढ़िया था बाहर घूमने का, इसलिए रहा नहीं गया, ये चीज़ें ले डाली यार मैंने, वैसे नॉर्मली अवॉइड करता हूँ पर ले लिया है अभी, तो अभी से फिनिश करेंगे। फिलहाल अब सोए जाए, 11 बज चुके हैं रात के। आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करूँगा जहाँ नींद खुलेगी, अभी के लिए गुड नाइट भाइयों।
चाह तो रहा था कि मैं सो जाऊं पर नींद आ नहीं रही थी। और फतुहा जंक्शन पे आके ट्रेन रुकी है यहाँ पे रात में, ऑलमोस्ट 12 बजने की जो तैयारी है वो चल रही है। काफ़ी शांति है रात में, ऐसा लग रहा है जैसे सामने से कोई बहुत तेज़ ट्रेन आ रही हो, हल्की सी हॉकिंग आ रही है, पर शायद ये मेरा भ्रम ही हो। बिहार के स्टेशन आज अच्छे से कवर हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी। सोना चाहता था मैं, लेकिन मौका है, आप लोग का प्यार है जो अभी तक जग रहे हैं यहाँ पे। आप लेकिन फाइनल वाला गुड नाइट है। अपने दिन की जब शुरुआत हुई है तो हमारी ट्रेन यहाँ पे वर्धमान में खड़ी हुई थी। यार मैं ब्रश करने जा ही रहा था, बस ट्रेन यहाँ वर्धमान पहुँची है सुबह 6:05 पर। और सुबह सुबह आप लोग देख लो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय स्टेशन में अवेलेबल है, कोई भी डिले नहीं है और विभूति बिल्कुल समय से चल रही है। ये देखो, पर पहले इसे निपटाया जाए, बाकी सारे काम बाद में। साफ़ सफाई जो है ट्रेन की अच्छे से मेंटेन की गई है और यहाँ पे अभी ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है। दूसरी तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है। और ट्रेन अपनी यहाँ से निकल भी गई है मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के साथ। अब सीधा अगला हॉल्ट होने वाला है अपना हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बीच में ट्रेन को कहीं भी रोका नहीं जाएगा आज। अभी अभी जस्ट वंदे भारत निकली अपनी NJP वाली, 6:40 के आसपास हमें क्रॉस हुई है। पीछे से रांची शताब्दी आने वाली है। वंदे भारत तो जस्ट मिस हो गई, मेरे से माफ़ करना, शताब्दी को लेने की जरूर कोशिश करता हूँ यार, वो नहीं मिस होनी चाहिए। एक चीज़ बंगाल में काफ़ी देखने को मिली है मुझे कि हर जगह एक छोटी सी लेक यानी तालाब लोगों ने आर्टिफिशियली भी बनाया हुआ है, वरना नेचुरली भी है। जैसे ये वाला तो नेचुरल है, देखो छोटे छोटे बच्चे भी एकदम पानी में निडर होकर के वहाँ पे हैं। ये देखो आप लोग, इतने छोटे बच्चे को पानी में वहाँ पे भेजा हुआ है, बाकी बहुत खूबसूरत लगता है। रांची शताब्दी भाई साहब क्या तेज निकाला है छोटी जगह में। और यहाँ हमारी ट्रेन को पड़ने वाला है ओवरटेक कंचन कन्या से, मोस्टली कंचन कन्या ही होनी चाहिए। नेताजी एक्सप्रेस है, कालका
हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। काफ़ी हाई प्रायोरिटी ट्रेन है नेताजी। हमेशा से मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि नेताजी एक्सप्रेस में ट्रैवल करूँगा, कभी हो नहीं पाता है, पर एंड टू एंड ट्रैवल करना है इसमें। कभी एल एच भी होगी तब का सोच रहा था, और अब मन कर रहा है ICF में भी ट्राई किया जाए। बारिश ने फिर से हमारा स्वागत किया हावड़ा में। मुझे लगता है पूर्वा एक्सप्रेस होनी चाहिए अभी। ये पूर्वा ही है, आप लोगों ने पूर्वा की जर्नी मेरे साथ देखी ही होगी। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, बस जब बिहार पहुंचती है तो इसका हाल बिहार में बुरा हो जाता है, बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। इसके ऐसे 2 टायर में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, मज़ा तो बहुत आया था, जर्नी एक्सप्रेस बढ़िया था, ट्रेन राइट टाइम भी दिल्ली पहुँची थी। क्यूल जंक्शन से और इसमें आगे बक्सर तक बहुत भयंकर भीड़ ऐसी 2 टायर में भी चढ़ गई थी, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार। आप उसमें पूरा एक्सप्रेस में फाइनली 8:15 पे हम लोग पहुंच रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। मतलब जो डीले है वो केवल आधे घंटे का ही हुआ है, और बारिश ने फिर से स्वागत किया है। और सामने देख लो आप लोग खड़ी है नई दिल्ली की ओर जाने वाली हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, जिसके फर्स्ट AC में हाल ही में हम लोगों ने ट्रैवल किया था। वो जर्नी तो आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी कमाल की जर्नी थी, ताबड़तोड़ एक्शन था गाड़ी का। हम लोग अभी हावड़ा पहुँच रहे हैं, तो आप लोगों का स्वागत है हावड़ा में। और मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेन का 7:45 का अराइवल टाइम था, थोड़ा सा डिले जो है वो हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि इंडियन रेलवेज़ में आधा घंटा कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इतनी ट्रेन जर्नीस किया हूँ, ट्रेन इतना ज़्यादा लेट होती है, बस में इतना तो मेरे हिसाब से चलता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी के एक्सपीरियंस की बात करूँ, साफ़ सफाई पूरे रास्ते ट्रेन में मेंटेन की गई है। खाने पीने की जो चीज़ें वो तो आप लोगों ने पूरे रूट की देखी। बस सुबह से बता दूँ कि वर्धमान ही एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स आइटम और चाय अवेलेबल थी, वरना उसके बाद आपको 8 बजे तक तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, 8 बजे तक ट्रेन पहुँच जाती है, उसके बाद आप सीधा 10 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने ही है एग्जीक्यूटिव लाउंज, वहाँ जा करके खाना पीना खा सकते हो। मैंने दिखाया आपको वहाँ का रेट और वहाँ की जो क्वालिटी वो कितनी अच्छी है, तो मैं भी वहीं जाने वाला हूँ और मैं भी स्टे करने वाला हूँ यहीं पर एग्जीक्यूटिव लाउंज पे ही। वहाँ पे स्टे का ऑप्शन भी है, वहाँ पे रुकने वाला हूँ। अगर आपको जर्नी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फूड ऑर्डर वगैरह करना चाहते हो तो रेलोफाई काफ़ी अच्छा ऐप रहेगा बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में। वैसे हावड़ा की बात की जाए तो 23 प्लेटफॉर्म्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, और साथ साथ इंडिया का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है। मतलब एक तरफ लोकल के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया, फिर एक्सप्रेस के लिए अलग, VIP प्लेटफॉर्म्स अलग, और फिर साउथ बाउंड ट्रेनों के लिए अलग। मतलब यहाँ से आपको कन्याकुमारी, चेन्नई, बैंगलोर, सिकंदराबाद, मुंबई, हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत बड़ा क्लोजेस्ट सेंटर है, नॉर्थ ईस्ट की मैक्सिमम ट्रेन यहीं से छूटती हैं। कंचनजंगा की बात की जाए, सरायघाट की बात की जाए, दार्जिलिंग मेल की बात की जाए, कामरूप एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ जाती है उसकी बात की जाए, तो इंपॉर्टेंट ट्रेनें यहीं से खुलती हैं। मालदा के लिए जाना चाहते हो,
इनफैक्ट आप अगर जाना चाहते हो लंबी दूरी के लिए तो यहाँ से आपको जम्मू के लिए, गांधीधाम के लिए, सब जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी नई जर्नी में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।